हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। इससे पहले हमने अनुवाद के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे सिक्स चैप्टर पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे सेवन्थ चैप्टर। इसमें आपका अनुवाद में कोश का महत्व, कोश के प्रकार, कोश के उपयोग और संकेत प्रणाली क्या होती है। देखिए, कोश का मतलब होता है भंडार, जिसमें सारी जो, तो कोश का मतलब क्या होता है, भंडार, किसी भी चीज़ को संग्रहित करना या उसको संभाल के रखना कहते हैं कोश, जिसे शब्दों का मेल होता है, वर्ड्स जो होते हैं उनको संभाल के रखा जाता है, उनको कहते हैं कोश। देखिए, सही मायने में अगर देखा जाए तो अनुवाद एक जटिल क्रिया है। मूल भाषा या पाठ या रचना को एक भाषा से दूसरी भाषा में इस तरह पुरोना कि उसकी आत्मा जीवित रहे, अर्थात उसका भाव जीव का त्यों बना रहे, तथा दूसरी भाषा के माध्यम से दूसरे समाज और संस्कृति में मूल पाठ को पहुँचाना ही अनुवाद है। ठीक है, कोश का क्या मतलब होता है हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि कोश क्या होता है। देखिए, भाषाओं की तुलनात्मक व्यतिरेकी अध्ययन होता है, तुलनात्मक साहित्य विवेचन होता है। इस साधन में अनुवाद के दो और क्षेत्र हैं, ये दोनों क्षेत्र हैं। थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कि साधन का अर्थ होता है किसी कार्य के लिए पर्याप्त वस्तुओं का संग्रह। साधन के अभाव में किसी भी कार्य को संपन्न करना असंभव नहीं तो कठिन जरूर है। साधन के बिना हम कुछ भी कर सकने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। इसी तरह जब हमें अनुवाद कार्य करना होता है तो हमें कुछ साधनों की आवश्यकता होती है, जैसे विभिन्न प्रकार और विभिन्न भाषाओं के कोश, चाहे वे शब्दकोश हो, परिभाषा कोश हो, पर्याय कोश हो, साहित्य पुराण, मिथक कोश, विषय कोश, उच्चारण कोश, या फिर भाषिक कोश या विश्वकोश हो। किसी भी चीज़ को करने के लिए हमें क्या किसकी ज़रूरत होती है, किसी भी चीज़ को करने के लिए हमें किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे अगर हम कहीं जाते हैं तो अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमें ऑटो या हमें किसी गाड़ी की ज़रूरत होती है बाहर जाने के लिए। वैसे ही अगर हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं, अनुवाद करते हैं, किसी भी बुक का अनुवाद करते हैं, तो हर एक शब्द का अलग अलग भाषा में अलग अलग उसका अर्थ होता है। तो इसीलिए हम कोश का प्रयोग करते हैं, ताकि उस कोश में एक ही भाषा के कई उसमें क्या दिए रहते हैं, अनुवाद दिए रहते हैं। आप हर एक भाषा में जैसे अलग अलग भाषा में अनुवाद दिए रहते हैं, जैसे कि अपना हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, तो ये सारी भाषाएँ हैं इसमें। तो इसके हिसाब से वो उस भाषा में जो लैंग्वेज जैसे ठीक है को क्या बोलते हैं, तो वैसे ही वो अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज के अनुसार उसमें कोश को संचित करते हैं, जिससे क्या होता है कि लोगों को थोड़ी सी आसानी हो जाती है, जो भी अनुवाद करते हैं उनको थोड़ी मदद मिल जाती है। अब देखिए, अनुवाद में कोश का क्या महत्व है, बिल्कुल मैंने भी समझाया कि कोश का बहुत महत्व है, क्योंकि हम बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान नहीं है, हमें या तो दो भाषाओं का ज्ञान है, या तो तीन भाषाओं का ज्ञान है, ज़्यादा से ज़्यादा चार या पाँच, लेकिन हमारे देश में 22 भाषाएं बोली जाती है, उससे भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। और किसी अगर कोई भी अनुवादक है या कोई भी नॉर्मल इंसान है, अगर वो कहीं भी जाता है तो उसको ज़रूरत पड़ती ही है उसकी भाषा को समझने के लिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको पड़ती है, अनुवादक को, जो अनुवाद करता है किसी भी एक बुक को दूसरी भाषा में, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, कोश के भारतीय भाषाओं में अनेक नाम मिलते हैं, प्रत्येक नाम का अर्थ और महत्व है। सबसे प्राचीन निघट्टू है। प्रवर्तिक काल में कोश के लिए पर्यायवाची, अनेकार्थी, नानार्थ आदि नाम थे। कोश का दूसरा महत्वपूर्ण नाम क्या है, अभिधान, इसका अर्थ होता है नाम। अन्य महत्वपूर्ण नाम है शब्द कल्पद्रुम, शब्दार्थ कौसतुम्ब, शब्द परिजातम, शब्द चिंतामणि, शब्द सागर, शब्द महाड़वा, शब्द रत्नाकर, शब्द मुक्तावली, शब्द मंजरी और आदि। तो ये क्या होता है, कोश का बहुत ज़्यादा ही महत्व है, जो क्या करते हैं वो जो अपने अनुवाद करते हैं एक भाषा से दूसरी भाषा में। अब हम कोश के प्रकार पढ़ेंगे। देखिए, आपको डिट्टो टू डिट्टो बुक की लैंग्वेज नहीं छापनी है, आप बस उसको समझिए और अपने हिसाब से समाज में जैसे हो रहा है उसका उपयोग, उसके हिसाब से आप इसको आंसर कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बस आपको थोड़ा टॉपिक याद करने की ज़रूरत है। अब देखिए, इसमें कुछ परिभाषाएँ देखिए कि कोश की परिभाषा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, कोश वह पुस्तक है जिसमें सामान्यतः वर्णानुक्रम से किसी भाषा के शब्दों अथवा विशेष या फिर लेखक आदि के संबंध में अध्ययन होता है। हिंदी शब्द सागर के अनुसार क्या होता है, कोश वह ग्रंथ है जिसमें अर्थ एवं पर्याय सहित शब्द एकत्र किए जाते हैं। मानक हिंदी कोश के अनुसार, कोश वह ग्रंथ है जिसमें विशेष क्रम से शब्द दिए हों और उनके आगे अर्थ दिए हों। इसके बाद आता है आपका डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार हम पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत बड़े हिंदी के ज्ञाता भी हैं। देखिए, पढ़ते इनके अनुसार क्या होता है कि कोश ऐसे संदर्भ ग्रंथ को कहते हैं जिसमें भाषा विशेष के शब्दादि का संग्रह या संग्रह के साथ उनके उसी या दूसरी या दोनों भाषाओं के अर्थ
पर्याय प्रयोग या विलोम हो या विशिष्ट अथवा विभिन्न विषयों की प्रविष्टिया की व्याख्या, नामों, स्थान, व्यक्ति आदि का परिचय या कथनों का आदि का संकलन क्रमबद्ध रूप में हो, उसे क्या कहते हैं? ये कोष का इन्होंने परिभाषा दिया है। अब कोष के प्रकार देखते हैं। कोष में तीन भेद दिए गए हैं, व्यक्ति कोष, पुस्तक कोष और भाषा कोष। व्यक्ति कोष क्या होता है? एक कोष जिसमें किसी एक व्यक्ति के साहित्य में प्रयुक्त शब्दों के आधार पर बनाकर कोष का निर्माण किया जाए, वह कोष व्यक्ति कोष कहलाता है। जैसे तुलसीदास जी का, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और शेक्सपियर आदि के कोष होते हैं। पुस्तक कोष क्या होता है? जिसमें किसी एक ग्रंथ या पुस्तक के प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या बनाया जाता है? आधार बनाकर कोष का निर्माण किया जाता है, वह पुस्तक कोष कहलाता है। जैसे रामचरितमानस, साकेत आदि के कोष। भाषा कोष क्या होता है? भाषा कोष एक भाषा का भी हो सकता है और एक से अधिक भाषाओं के साथ भी हो सकते हैं। जैसे एक भाषा वाले कोष को एक भाषिक कोष कैसे कहते हैं? जैसे हिंदी अंग्रेजी, अंग्रेजी शब्द कोष। इसी प्रकार द्विभाषिक कोष में दो भाषाएं होती हैं, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी। यानी कि अगर हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी, तो इसे क्या कहते हैं? दो भाषाओं का कोष कहते हैं। भाषा कोष भी मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। अब भाषा कोष के तीन कौन कौन से हैं? वर्णनात्मक है, ऐतिहासिक और तुलनात्मक है। वर्णनात्मक का मतलब होता है किसी भी भाषा के क्या करना है, उसका वर्णन करना। किसी भी भाषा के निश्चित कालखंड को आधार बनाकर वर्णनात्मक कोष का निर्माण किया जाता है, ठीक है। उदाहरणार्थ देखेंगे कि हिंदी में नागरी प्रचारणी सभा का हिंदी शब्द सागर वर्णनात्मक कोष है। ऐतिहासिक कोष क्या कहलाता है? जो बहुत पहले से इतिहास, मतलब उसका इतिहास हो, उसे क्या कहते हैं? ऐतिहासिक कोष। जैसे कि ऐतिहासिक कोष के अंतर्गत किसी भाषा या बोली के सभी कालों में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को शामिल किया जाता है। जैसे मैंने बताया आपको, जिसका इतिहास हो, यानी कि उसके कौन से काल में कौन सी भाषा, इस भाषा का कैसे कैसे प्रयोग हुआ है, उसे कहते हैं ऐतिहासिक कोष। तुलनात्मक यानी कि दो भाषाओं में उसका तुलना करना, दो या दो से अधिक, इसमें दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग होता है। ये दो कोष दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। स्रोत भाषा के शब्दों की लक्ष्य भाषा या भाषाओं में व्याख्या की जाती है, इसमें सिर्फ प्रति शब्द रखे जाते हैं। कामिल बुल्के का अंग्रेजी हिंदी कोष केंद्रीय हिंदी निदेशालय में प्रकाशित हिंदी अंग्रेजी परिभाषिक कोष ऐसे ही कोषों के उदाहरण हैं। इसमें देखिए, जो विभाजित किए गए हैं उसके नाम दे रखे हैं, शब्द कोष, अन्य कोष। उसके बाद इसके अलावा भी इसके चार कोष हैं, पुस्तक कोष, साहित्यकार कोष, भाषा कोष और बोली कोष। कोषों के उपयोग क्या है? कोषों की उपयोगिता है, कोषों की उपयोगिता को हम निम्न प्रकार से जानते हैं। शब्दों का अर्थ, उच्चारण एवं वर्तनी को जानने के लिए कोषों की आवश्यकता होती है। कोषों में शब्द की व्युत्पत्ति, शब्द का प्रयोग आदि की जानकारी मिलती है। कई बार संकेताक्षर, बाट, माप, तोल, विभिन्न देशों की मुद्रा, प्रमुख व्यक्तियाँ एवं स्थानों बारे में सूचना देते हैं। सामान्य कोष में शब्दों का इतिहास पता चलता है। कोष के उपयोग से शब्दावली को बढ़ाया जा सकता है और विशिष्ट शब्द कोष के निरंतर उपयोग से शब्दों के पर्यायवाची, समानार्थी तथा विलोम को खोजने तथा अन्य अर्थ जानने और उनका सही उच्चारण एवं प्रयोग जाना जा सकता है। उसके बाद है आपका कहावतों, मुहावरों का अर्थ भी कोषों के सहायता से सहजता से पता लगाया जा सकता है। द्विभाषी या बहुभाषी कोषों की उपयोगिता अनुवाद का कार्य करने में होती है। तो ये इतना आपका रहा कोषों के उपयोग। इसके बाद जस्ट आपका आएगा शब्द कोष के उपयोग और बाकी जो कोष थे उनके उपयोग। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।